बाबा अम्बेडकर की जयंती के मौके पर खूब सियासत भी हुई। मोदी ने कांग्रेस पर बाबा साहब की अनदेखी का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के पास अपने नेता नहीं है, इसलिए वो बाबा साहब के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। चुनावी मौसम में इस तस्वीर के मायने को समझने के लिए ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं। मोदी ने गांधीनगर में बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी और फिर कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। शहजादे जी बार बार बयान देते हैं कि कांग्रेस ने ये कानून दिया, कांग्रेस ने वो कानून दिया, कांग्रेस ने बिकना कानून दिया। हमें जितने अधिकार मिले हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए। अम्बेडकर के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधकर मोदी ने जता दिया कि उनकी नजर देश के दलित वोटरों पर है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। भाजपा समर्थन वाली दिल्ली में सरकार बनी तब जाकर के बाबा साहब को भारत रत्न दिया है। लेकिन मोदी के हमले से बेपरवाह सोनिया ने अम्बाला की चुनावी सभा में मोदी के सियासी स्टंट की हवा निकालने की कोशिश की और सूचना के अधिकार वाले ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया। ये लोग उल्टे सीधे झूठे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वे आपको ये नहीं बताते हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सूचना का अधिकार जैसा कानून हमने ही बनाया है। देश में तकरीबन 20 करोड़ दलित वोटर हैं, जो आबादी का 17% है। माना जाता है कि कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों का इस पर सबसे ज्यादा असर है, जिस पर अब मोदी की नजर है।